तो एक यार मुझे पता है तुम लोगों के फेवरेट रैपर मतलब यार यो यो हनी सिंह है। तुम लोग यो यो की गैंग से हो। That's true. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं यो यो हनी सिंह के फैन और यो यो हनी सिंह को कोई हेट नहीं पहुंचा रहा, बस ये मेरा एक ओपिनियन है। ओके और मेरा यार जो ओपिनियन है यार वो प्रूफ के साथ मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस तुम लोगों को बताइए होगा यो यो हनी सिंह ने एक बहुत ज्यादा वायरल सॉन्ग निकाला था जिसका नाम था लोका। गाइस मैं तुम लोगों को बताऊं ये सॉन्ग तो कॉपी हो रखा है यार, कॉपी नहीं हम लोग कहें कि गलती से रिमेक बन गई, मतलब यार सिमिलर ट्यून बन सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। गाइस तुम लोग यार पहले ये मेन ट्यून सुनो जो ओरिजिनल वन है और तुम अब यार यो यो हनी सिंह की लोका वाली ट्यून सुनो। देखो तुम लोगों के पास कान भी है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, अब तुम लोगों ने सुन लिया, अब तुम लोगों को क्या लगता है ये कॉपी है? देखो यार दुनिया में इतने सारे गाने बनते हैं, इतनी सारी ट्यून्स बनती है, तो यार गलती से सिमिलर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। अब देखो मैं तुम लोगों को एक ओरिजिनल लिरिक्स सुनाता हूँ, अब यार वो सुनो और फिर मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ। अब यार तुम लोग ये वाली लिरिक्स सुनो। अब देखो मैं तुम लोगों को दोबारा बताता हूँ, तुम लोगों के पास कान है और तुम लोगों के पास दिमाग है, ओके तो मैं तुम लोगों को दोनों प्रूफ दे दिया। अब यार ये सॉन्ग जो है वो उससे पहले आया यानी 2012 में और फिर उसके बाद यो यो हनी सिंह का आया है। कुछ भी हो सकता है यार। अगर गौर करें तो फिर यार यो यो हनी सिंह ने सुना होगा तो यार लिरिक्स सेम हो सकती है, बट लेकिन मैं अब भी नहीं कहूंगा कॉपी है वरना तुम लोगों को सच में देर नहीं लगेगी डिसलाइक का बटन तोड़ने में। वैसे यार जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कॉपी हो भी सकता है या फिर रिमेक समझ लो। अब यार मैं तुम लोगों को एक ऐसा सॉन्ग सुनाता हूँ जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था यार, तुम लोग खुद सुन के समझ जाओगे यार ये कितना वायरल सॉन्ग था। देखो तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब यार ये वाला सॉन्ग सुनो। अब यार गौर करें तो तुम लोगों ने सुना यार, लग रहा है दोनों कॉपी हैं, बट लेकिन यार मैं ऐसा नहीं करूँ कॉपी है यार, गलती से हो गया होगा मैच, हमें क्या जा रहा है, मतलब गलती से हो सकता है मैच, दुनिया में इतने सारे सॉन्ग यार लिरिक्स गलती से मैच हो सकती है सच में, कुछ भी हो सकता है यार। गाइस मैं तुम लोगों को एक और सॉन्ग सुनाता हूँ, मतलब यार वो सॉन्ग सुनो तुम लोग यार, पहले यो यो हनी सिंह का सॉन्ग सुनो तुम। देखो यार तुम लोग ये सॉन्ग सुनो ठीक है। अब देखो यार मैं तुम लोग को बताया कि यार ये कितने सारे सॉन्ग थे जो शायद सिमिलर हो गए गलती से, मैं सच बोल रहा हूँ गलती से हो गए होंगे, कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि यार दुनिया में इतनी सारी मिलियंस ऑफ ट्यून्स बनती है, मिलियंस ऑफ लिरिक्स बनती है, मे भी गलती से सेम हो सकती है। देखो यो यो हनी सिंह के इतने सारे कॉपी और रिमिक्स सॉन्ग, ओह शिट रिमिक्स और कॉपी नहीं मतलब गलती से मैच हुए हुए सॉन्ग, मतलब तुम लोगों ने सुने okay. उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने भी ज्यादा वायरल नहीं थे, लेकिन कुछ रियल सॉन्ग जो इतने ज्यादा वायरल हुए थे लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि यार यो यो हनी सिंह तो वो थे जिन्होंने रैपिंग को बहुत ही ज्यादा उभारा। मुझे पता है तुम लोगों ने सबसे पहले यो यो हनी सिंह को ही तो सुना होगा इंडिया में। मुझे लगता है कि यार ये क्रिसमस वाला सॉन्ग शायद फर्स्ट किस से बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने यो यो हनी सिंह का पुराने का डब देखा है इसलिए। That's true. यार आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद मजा आया, अगर मजा आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय। रास्ते में पैदल घूमूं रोके कार वाले, हाल पूछे मेरा काम को सलाम मारे, आज तक मेहनत का हिसाब नहीं किया मैंने, ना भी लॉक द डील्स, ना जाने मारे कितनी बार ताले। सक्सेस मेरी क्लेम करे।